देखो पर्सन बोरोड सम ऑफ 6000 एट 10%। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, और इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है ईच पेबल एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर ईच इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपके अगर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना होगा, आपने क्या किया, अगर आप सपोज इंस्टॉलमेंट ईएमआई में पे नहीं करते तो आपको कितना पैसा लगता, पूरा आपको ये देना पड़ता। लेकिन आप आपको क्या कह दिया, आपने तीन बार में आपने एक्स 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 दे दिया, तो -3x। अब इतने में तो आपका इंटरेस्ट लगा नहीं होगा, तो आपने इसको कितना इंटरेस्ट बचा लिया आपने -3x करके, ये होगा x इंटू कितना तीन, आपने x पर 3 साल में इंटरेस्ट बचाया कितना 10, तो x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 100। बिकॉज इस पर इंटरेस्ट कैसे बचा लिया, क्योंकि आपने ये पे कर दिया, आप जितना पे कर दिया उस पर थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने जो सपोज इतना आपको 6000 देना था, आपने पहली बार में कुछ इंटरेस्ट वापस कर दिया, कुछ सिंपल ईएमआई पे पैसा दे दिया, आप जितना ईएमआई पे सपोज एक्स दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो -3x करके आपने इतना इंटरेस्ट बचा लिया, तो ये इक्वेशन में जाके एक्स निकालेंगे यहाँ से। तो इस वाली अमाउंट पे देखो, यहाँ पे 3x है, आपने इस वाली अमाउंट पे जो है आपने 2 साल ब्याज नहीं दिया, इस वाली अमाउंट पे आपने 1 साल ब्याज नहीं दिया, ये होगा क्योंकि आपने पे कर दिया राइट। तो आपने ये पे कर दिया, तो सपोज आपने ये पे कर दिया, तो अब इस वाली ब्याज पे आपको 2 साल अमाउंट नहीं देना पड़ा, इस वाले पे आपको सपोज इस वाले पे आपको 2 साल, आपको 2 साल और आगे ब्याज नहीं देना पड़ा क्योंकि आपने पे कर दिया, और इस वाले पे आपको 1 साल ब्याज नहीं देना पड़ा। तो यहाँ पे x, इस वाले के लिए हम x इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, और इस वाले के लिए x इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे।